छत्तीसगढ़ से दशरथ गिरी गोस्वामी जी, आपका प्रश्न हमारे सामने आया है। आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। जाति धर्म से लेकर ज्ञान वैराग्य और सन्यास और उपाधि तक की पूरी ज्ञान देने की महान कृपा करें। देखिए, इस तरह से पूरा ज्ञान तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मोटी मोटी बातें हम आपको बता रहे हैं, उससे आप धीरे धीरे और अंदर प्रवेश कर जाएंगे। योग्यता जो है शंकराचार्य के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने निर्धारित कर दी है। उन्होंने मठामनाय महानुशासन नाम का ग्रंथ लिखा है, उसमें लिखा है, शुचि ही जितेन्द्रिय वेद वेदांगादि विशारद योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम स मदास्थानम आपनुवात। मेरा ये जो स्थान है उस स्थान को कौन प्राप्त करेगा? कहा, ऐसा सन्यासी जो दसनामी हो, दसनाम परंपरा में दीक्षित हो, जो मेरे द्वारा बनाए गए चार पीठ हैं, उन चारों पीठों में दस नामों को मैंने विभक्त किया है, उन्हीं में से किन्हीं एक नाम से वो विभूषित हुआ हो, उसी की परंपरा का अपने जीवन में पालन करता हो, शुचि हो अर्थात पवित्र कुल से आया हो, जितेंद्रिय हो इंद्रियों पर उसका नियंत्रण हो, वेद वेदांग चार वेद हैं और छः वेदांग हैं इनका विशारद हो, माने बहुत अच्छा जानकार हो, और योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम समस्त शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता वाला हो। बहुधा किसी शास्त्र को पढ़ते हैं, जब उस शास्त्र को पढ़ते हैं तो दूसरी बात कही जाती है और दूसरा शास्त्र पढ़ते हैं तो दूसरी बात कही जाती है। विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो विष्णु को सबसे बड़ा बताया जाता है, शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव को सबसे बड़ा बताया जाता है। सामान्य व्यक्ति के मन में ये बात आ जाती है कि शिव बड़े कि विष्णु बड़े, इसको पढ़ते हैं तो ये बड़े, इसको पढ़ते हैं तो ये बड़े। तो ऐसे जो प्रश्न हैं जिनमें ऐसा लगता है कि दो विरुद्ध बात शास्त्रों में कह दी गई है, उन बातों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता जिस व्यक्ति में हो ऐसा विद्वान, और इसी के माध्यम से समन्वय स्थापित करने की क्षमता के माध्यम से उन्होंने यह भी कह दिया कि जो आचार्य होगा उसको व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। शास्त्र के दृष्टिकोण के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अपनाना है। शास्त्र और व्यवहार को जो बड़ी बारीकी से देख करके समझता है और समझ करके दोनों का निर्वाह करता है, ना तो व्यवहार में न्यूनता रह जाए ना तो शास्त्र में न्यूनता रह जाए। तो शास्त्र और व्यवहार में समन्वय स्थापित करना और तदनुरूप उपदेश करके जनता को उसी के आधार पर आगे बढ़ाना, ये क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। साथ ही साथ धर्मनिष्ठा, साथ ही साथ गुरुनिष्ठा, साथ ही साथ अपने मठ के प्रति निष्ठा, यह भी आवश्यक है। तो यह सब चीज़ें जब कोई गुरु अपने शिष्य में देखता है तब वो सोचता है कि ये हमारे बाद इस पीठ का शंकराचार्य बन करके धर्म का कार्य कर सकेगा जैसा कि भगवान शंकराचार्य जी ने चाहा था। तो जाति आप समझते हैं कि संन्यास का अधिकार द्विजों को है, उनमें से भी जो दंड संन्यास है, जिसको सलिंग संन्यास कहते हैं, दंड और कमंडल वाला, ये ब्राह्मणों को है। ये बताया गया है, मुखजा नामयम धर्मो यद विष्णोर्लिंग धारणम बाहुजातो रुजाता नाम नैवम धर्मो विधीयते। इसका मतलब है कि मुख से उत्पन्न होने वाले जो ब्राह्मण हैं उनका ये धर्म है कि वो दंड और कमंडल का संग्रह करें। तो दंडी सन्यासी जो होते हैं वे होने चाहिए। धर्म आप कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो पीठ बना है उस पर जो बैठे वो सनातनी ही होना चाहिए, तो ये भी आपको स्पष्ट हो गया। ज्ञान के बारे में हमने बताया, वेद वेदांग का विशारद हो, शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखता हो, और वैराग्य का मतलब आप जानते ही हैं कि जो संपत्ति है वो सन्यासी को बैठाया गया। सन्यासी को बैठाने की क्या ज़रूरत थी? जो सन्यासी नहीं है ऐसे किसी व्यक्ति को धर्म की रक्षा का दायित्व तो भगवान शंकराचार्य दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा सन्यासी बैठेगा, तो इसका उनका मतलब था कि धर्म की प्रवृत्तियों को संचालित करने के लिए जो मठ आदि संस्था बन जाती है इसमें भी आसक्त ना हो जाए। वो जैसे कोई व्यक्ति धरोहर की रक्षा करता है, ऐसे ही सनातन धर्म की ये धरोहर है मठ मंदिर, इस रूप में उसकी रक्षा करूँगा मैं, लेकिन मैं इसलिए निर्लिप्त नहीं लगूँगा क्योंकि मैं तो सन्यासी हूँ। सन्यासी तो निर्लेप रहता है, इसलिए उसके अंदर वैराग्य भी होना चाहिए। और सन्यास, सन्यास का मतलब है दंड संन्यास, हिंसा से दूर हो। और उपाधि, उपाधि आप समझते ही शंकराचार्य नाम की उपाधि है जो उसको दी जाती है,
ये पूरा ज्ञान देने की जो महान कृपा है वो हमने कर दी। महान कृपा शब्द कोई तात्पर्य नहीं रखता है। आपने पूछा, बताना हमारा कर्तव्य था, तो हमने बताया। इसलिए नारायण स्मरण पूर्वक आपके प्रति सदिच्छा शुभ भावना व्यक्त करते हुए हम ये बात आपको बता रहे हैं। अगर आपको लगता हो कि कम है, कुछ और विस्तार किया जाए, वैसे हम समझते हैं कि जितना हमने बता दिया उसमें लगभग सब बात आ गई। अगर आपको लगता है कि और भी कुछ जानना है, और हो सकता है, क्योंकि जितना विस्तार करेंगे उतना हो सकता है, लेकिन इस तरह के प्रथम प्रश्न में इतना ही बताया जाना उचित समझ करके हमने आपको बताया है। और बारीकी में अगर कुछ जानना चाहते हो तो वो प्रश्न भी आप पूछेंगे, तो आगे उनको भी बताने के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। हर हर महादेव। नारायण।